आप देख रहे हैं आपके शहर का सबसे फास्ट चैनल सिटी बिग न्यूज। सिटी बिग न्यूज की नजर रहती है आपके शहर की हर खबर पर। आज HAU के गेट नंबर 3 के सामने आम जनता को अपनी सेना यानी कि भारतीय सेना को जमीनी तौर पर स्पष्टता से जानने का मौका मिला। आज की इस एक दिवसीय प्रदर्शनी में लोगों को नवीनतम अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों के बारे में सेना के अधिकारियों द्वारा बखूबी तौर पर जानकारी दी गई। यूं तो सैन्य प्रदर्शनी हर साल लगाई जाती है, लेकिन इस बार खास बात ये रही कि आम जनता को इस सैन्य प्रदर्शनी के माध्यम से पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानने का मौका मिला। सेना द्वारा बताया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हमारे जवानों को हेलीकॉप्टर से हवा में किस तरह से स्टैंड कर उतारा गया था। पहली बार जिला प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी और हायर अथॉरिटी से सैन्य प्रदर्शनी को सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में दिखाने की परमिशन मिली। ये प्रदर्शनी 33 आर्म डिवीजन द्वारा सप्त शक्ति कमांड और स्ट्राइक वन कोर की तरफ से लगाई गई थी। सर, ये किस चीज का टैंक है? ये BMP है। ये क्या काम करता है? ये दुश्मन को बर्बाद करने में इसमें एक मिसाइल लगाई गई है और अगर 30 NN गन लगाई गई है इसमें। ये क्रू के लिए ये सेफ, ये पानी में भी तैरती है। ये क्रू के लिए जो हम जवान है उसके लिए सेफ्टी है इसमें। तो इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? इसमें 10 लोग बैठ सकते हैं इसमें। और जो ये अगर एयर टाइट होता होगा, जैसे कि आपने बोला कि ये पानी पे तैरता है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रबंध कहाँ से होता है? इसमें ये एयर इंटैक ट्यूब लगाई गई है इसमें, ये यहाँ पे उसको पानी में तैरते दफे इसको ऊपर कर देंगे और हवा का अंदर से ब्लोअर चला देंगे, हवा इसमें अंदर से जाएगी। और इसके अंदर किस किस तरह की तोप या मिसाइल का आप यूज करते हो? हाँ, इसमें ये मिसाइल लगी हुई है इस BMP के ऊपर में। ये गनर इसको फायर करेगा और टैंक को बर्बाद कर देगा। 1, 2, 3, 4 ये कैजुअलिटी जहाँ भी लड़ाई हो चल रही होती है वहाँ से ज़्यादा अगर कोई सीवियर पेशेंट है तो उसको इसके अंदर कैरी करते हैं। इसके अंदर किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है? इसके अंदर हम ऑक्सीजन दे सकते हैं उसको, उसके बाद IV वगैरह फ्लूड इंजेक्शन वगैरह, छोटा नापने के लिए BP, ये ब्लड प्रेशर जो नापते हैं ये वाला सब कुछ, छोटा मोटा जो इलाज हम कर सकते हैं, फर्स्ट एड, इसके साथ में भी एयर की व्यवस्था भी इसके अंदर है। क्या आप लोगों को भी ये सर्विस सिखाई जाती है? हाँ, हमारे कुछ एक बंदे इसमें ट्रेंड होते हैं, सारे नहीं हैं, बाकी इसके अलग से कोर्स होता है जो कि हम नर्सिंग के नाम से ना BFNA बोलते हैं जिसको, वो ट्रेंड इसके अंदर होता है। बाकी इसके अंदर जो क्रू है हमारा वो अलग से 2 BFNA साथ में जो बैठते हैं वो, प्लस इसका ड्राइवर और इसके एक कमांडर जो होता है। क्या जंग के दौरान हर वक्त इसके अंदर एक डॉक्टर मौजूद रहता है? डॉक्टर बेसिक नहीं रहता है, लेकिन नर्सिंग जो इनका असिस्टेंट जो होता है वो का इसके अंदर मौजूद रहता है, किसी भी हालत में मिल जाता है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर भी इसके अंदर मिल सकता है। इसके अंदर ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है, फ्लोट करेगा तो ऊपर से पूरा ओपन है। इसके अंदर AC की भी व्यवस्था है, पूरा जो है जनरेटर वगैरह फिट है इसके अंदर, और AC के अंदर भी ये, इसके अंदर गर्मी में भी आप रह सकते हो, AC रहेगी। और ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ना कि इसके अंदर चल के, जैसे टैंक है वो क्या कर गया चलता है, लेकिन ये क्या फ्लोट करती है यानी ऊपर तैरती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि AM-50 मौजूद है। चलिए जानते हैं इनसे कि इसका क्या काम होता है और ये किस तरह से काम करता है। सर, आप हमें बताइए कि इसका काम क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। ये एक असल्ट ब्रिज है, जब लड़ाई के दौरान हमें 50 मीटर तक या 52 मीटर गैप मिलता है तो इस प्रकार के हम 4 स्पान लॉन्च करते हैं और एक 52 मीटर के लेंथ का हमको ब्रिज मिलता है जिससे हम पूरे अपनी फोर्सेस को लड़ाई के दौरान पार कर सकते हैं। सर, ये इसका क्या नाम है टैंक का? सर, इसका नाम है CCICV। तो क्या वर्क करता है, किस तरह से काम करता है? सर, ये जो है लड़ाई के दौरान जो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो उस समय कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सर, कम्युनिकेशन के लिए? तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ आपके जैसे रास्ते ख़राब होते हैं, मौसम ख़राब, उस टाइम किस तरह से आप काम करते हैं? जी, इसका रास्ते कैसे भी हो तो ये अपना हवा में हवा छोड़ के बाकी अपना जो पानी में तैर लेता है, ग्राउंड में, कीचड़ में, टीले में सबसे रहता है। सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसमें गोली वगैरह कोई ऐसा नहीं होता, सब कुछ ब्लड फ्लो सर। जैसे आप पानी में कहते हैं तैर लेते हैं और जैसे आपके गेट बंद हो गए वहाँ से ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन किस तरह से रहता है इसमें? सर, इसके अंदर जो कुछ पाइप दिए हुए अंदर होल करके थोड़े थोड़े, तो सर उससे ऑक्सीजन मिलती रहती है और बाहर देखने में शीशे लगे हुए सर इसमें। सर, तो इसमें कितने मेंबर बैठ सकते हैं इसमें? इसमें सर 7 मेंबर बैठ सकते हैं। इसमें जनरेटर वगैरह सारा इनबिल्ट है? टोटल जनरेटर इसके अंदर नहीं है, ये बैटरी पावर जो DC से चलते हैं पूरा कुछ, जो जो इक्विपमेंट सारे DC के ऊपर काम करते हैं और इसके चलाने के लिए सर सिस्टम है अपना बैटरी वाला दिया हुआ पूरा। सर, इस टैंक के बारे में बताइए। ये टैंक T55 ट्रॉल टैंक है
जो इंजीनियर के पास होता है। हमारे एक आर्मड इंजीनियर रेजिमेंट को 16 टैंक ऑथराइज होते हैं, जो लड़ाई में हम जैसे माइनफील्ड जैसा ऑब्स्टिकल आता है तो उस समय इसको हम पहले एडवांस में ले जाते हैं, और जो इसके आगे जो लगे हुए हैं ट्रॉल, इसके नीचे माइंड्स आने से माइंड को ब्लास्ट कर देता है और हमें पूरा एक क्लियर गैप मिलता है, जो 5 मीटर का गैप होता है, जिससे हम जो पीछे हमारे टैंक है उसको आसानी से पार कर सकते हैं। इसके अंदर कितने लोगों के बैठने की जगह है? इसमें 4 क्रू आता है इसका, ड्राइवर, गनर, ऑपरेटर और कमांडर, जो इसके अंदर बैठता है। ड्राइवर की जगह ये है और ऊपर कमांडर, गनर और लोडर, जो गन के अंदर जो एमिनेशन लोड करते हैं हम, तो वो वहाँ से होता है और इस मेन गन से वो फायर होता है। जैसे कि आपने कहा कि राजस्थान में चल सकता है लेकिन वहाँ पर मिट्टी ज्यादा होती है, तो उसी के लिए मिट्टी में ही चलने के लिए ये साधन, ये टैंक होते हैं। नॉर्मल इसमें तो सब कुछ चल जाएगा, लेकिन राजस्थान जैसे इलाके में जैसे टायर वाले व्हीकल होते हैं वो ज़्यादातर फंस जाते, तो ये ट्रैक व्हीकल है, ये राजस्थान में नहीं फंसते, ये इनकी जितनी स्पीड है उस स्पीड से चलते रहते, ये इसकी खासियत है। और इसके अंदर ऑक्सीजन का विकल्प कहाँ से है? सर आज यहाँ पे सैन्य प्रदर्शनी लगाई गई है, तो आप बच्चों के साथ आए, तो बच्चों को इससे क्या सीखने को मिलता है? बच्चों को इसको मतलब सीखने के लिए मिलता है कि कैसे हम अपने खुद रक्षा कर सकते हैं और कैसे मतलब अपना कंट्री के बारे में जान सकते हैं। क्या समय समय पर ऐसी प्रदर्शनी लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए। क्या फायदा होगा इससे? इससे मतलब सभी आम इंसान को पता लगेगा कि मिलिट्री वाले क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं और अपने देश के लिए कितना मतलब जोखिम उठाते हैं वो। क्या आप अपने बच्चों को मिलिट्री में भेजना चाहेंगे? यस मैम, बिल्कुल। आपको कितना समय हो गया आर्मी में? आर्मी में लगभग 15 साल हो गए मेरे को। जैसे आज की ये प्रदर्शनी है, किस तरह से जैसे बच्चे बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, क्या जानकारी हासिल कर रहे हैं यहाँ से? ये बच्चे हमारे फौज के जो इक्विपमेंट हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, और जैसे जो हमारे फौज में की जो दिनचर्या है, जिस तरीका से हम लड़ाई के दौरान या किसी ऑपरेशन के दौरान में हम कार्य करते हैं तो उसके दौरान में जैसे हम कर रहे हैं उसको हमने रिहर्सल के तौर पर हमने बंदों को, बच्चों को दिखाया, जो यहाँ की जनरेशन है उसको, और युवा पीढ़ी के अंदर एक नई आवाम के अंदर एक नए जोश के हिसाब से हमने एक कार्य करके दिखाया है। जैसे आर्मी कैंट से निकल के आप जैसे आम लोग के बीच हैं और एक प्रदर्शनी में है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? देखो आम जन लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे बच्चे हैं यहाँ के, और बड़े लोग भी आए हैं, यहाँ बुजुर्ग भी आए हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो बुजुर्ग भी घर से निकल के आ रहे हैं, उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आर्मी के प्रति उनका इतना लगाव है। हम उस चीज़ का भी बड़ा सम्मान कर रहे हैं कि आर्मी की और कोई डिपार्टमेंट है उसकी इतनी नहीं जितना सम्मान हम ये लोग आम जनता आर्मी को देती है। इस प्रदर्शनी में सेना ने किस तरह से दुश्मनों से लड़ाई लड़ी और वीर सैनिकों ने किस तरह से जंग के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसका डेमो भी प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी में युवाओं की काफी संख्या देखने को मिली, वहीं स्कूली बच्चों में भी प्रदर्शनी को लेकर काफी उत्साह दिखा। सिटी बिग न्यूज की खास कवरेज के माध्यम से देखिए आम जनता में देशभक्ति का जुनून। तो आज आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? मैं ये जो मिलिट्री की जो प्रदर्शनी लगी उसको देखने के लिए आया हूँ, बच्चों को दिखाने के लिए। किस तरह की लगी आपको ये सैन्य प्रदर्शन? सैन्य प्रदर्शनी मेरे को बहुत अच्छी लगी, इससे देशभक्ति का जो जज्बा हमारे अंदर है वो पूरी तरह से भरपूर रहता है। इसे देखने के बाद हमें ये लगता है कि मैं भी मेरे बच्चों को मिलिट्री के अंदर भेजूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। सुबह पहली बार सैन्य प्रदर्शन में सर्जिकल स्ट्राइक में जवानों को कैसे उतारा गया था वो दिखाया गया, तो वो कैसा लगा आपको? वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसको देख करके हमारे अंदर भी ऐसा जोश उत्पन्न हुआ कि काश हम भी मिलिट्री में होते तो हम देश की सेवा करते और देश के काम आते। हम तो नहीं लग सके लेकिन मैं हमारे बच्चों को जरूर लगाऊंगा। आज आप सैन्य प्रदर्शनी में आई हैं, तो आपने क्या क्या यहाँ पे देखा और आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है हमें। हमने लेटेस्ट T-90 हमने वो भी देखी है टैंक, जो हमारे इंडिया में बहुत ही कम है, और रशिया से लिया हुआ है। ये हमारे कैंट में 9 है, तो ये हमें बहुत ही फख्र की बात है कि हमारे पास ये है इंडिया में T-90, जो कि बहुत ही लेटेस्ट टैंक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूछ रहे हैं इसके बारे में कैसे क्या है। मशीन गन है, 1800 उसकी रेंज है, 1800 मीटर, बहुत अच्छा लग रहा है। यस, ऑफकोर्स होनी चाहिए। क्या मिलेगा इससे? नॉलेज मिलेगी, हमें पता चलेगा कि हमारे फौजी कितने हमारे लिए बहुत सफ़र कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि 72 आवर्स तक वो टैंक में ही बैठे रहते हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके,
जो भी है हमें नॉलेज मिल रही है, एक चीज़ की देखने को मिल रहा है पहली बार, बच्चे छोटे छोटे आए हुए हैं, सबको नॉलेज मिल रही है, और जो और देशों के पास नहीं है वो हमारे पास है, हमें पता चल रहा है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और जो आर्मी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। ये आज की सैन्य प्रदर्शनी में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताया गया, तो कैसा लगा आपको? मैम बहुत अच्छा लगा है कि इन्होंने कि कैसे क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए, देश के लिए। उन्होंने बताया है कि ये उनके लिए नहीं है, ये सेना के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, देश के लिए है, जनता के लिए है, क्योंकि ये सब है जनता चांसेस हो पाती है इनकी वजह से ही, तो ये सब कुछ जनता के लिए है। अपनी सेना से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरों से रूबरू रहने के लिए सिटी बिग न्यूज के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना